ही हंस दिल ही हंस दिल रिंकिया के पापा ही हंस दिल। बम्बई से बोलत बानी बुरा समाचार बा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत आपके साथ, मैं हूँ रिया तोमर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गायक की जिन्होंने भोजपुरी गाने गाकर बहुत सुर्खियां बटोरी हों। रिंकिया के पापा से लेकर बुरा समाचार बाद जैसे गानों से फेमस होने के बाद राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने वाले मनोज तिवारी को आज कौन नहीं जानता। मनोज तिवारी आज एक ऐसा नाम है जिनका हमेशा से ही विवादों से ही नाम जुड़ा रहा है। कभी स्कूल के कार्यक्रम के दौरान महिला टीचर को धमकाने का मामला हो, तो कभी आप विधायक अमानतुल्ला खान से धक्का मुक्की का विवाद हो, ये तो उनकी रही छोटी से छोटी कहानियां। अब बात करते हैं मनोज तिवारी से जुड़े उन किस्सों की जिनके लिए टिकट के लाले पड़ रहे हों। खुद को सनातनी बताने वाले मनोज तिवारी खुद भगवा रंग का मजाक उड़ा चुके हैं। क्या है उनका इतिहास, बताएंगे विस्तार से आप। आपको बता दें मनोज तिवारी का किस किस विवाद से रहा आज तक नाता, कहानी वो अधूरी जो एन भारत करेगा पूरी। मनोज तिवारी का पहला विवाद एक कार्यक्रम के दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी से एक गाने की फरमाइश की थी। इसके बाद मनोज तिवारी ने उन्हें सबके सामने फटकार लगाने के साथ ही अपमानित भी किया था। आपको ये कहना चाहिए क्या? आप नौटंकी कर रहे हो कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम है? ये मजाक नहीं कर रहे हैं। आप सांसद को बोलोगे आप गाना गाओ? ये तमीज है आपकी? दरअसल यमुना विहार में निगम स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा लगवाने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद होने के नाते मनोज तिवारी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बुलाए गए थे। इसी बीच टीचर नीतू पवार ने मनोज तिवारी से गाने का अनुरोध कर दिया। यह बात मनोज तिवारी को कहीं ना कहीं नागवारा गुजरी और उन्होंने मंच से ही टीचर को फटकार लगाते हुए मंच से उतर जाने का फरमान सुना दिया। गाने का प्रोग्राम है क्या? आपको इतने भी नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है? ये 2 करोड़ का सीसीटीवी लगने दे, आप पूरे जरा गाना गा दीजिए। चलिए आप नीचे बैठिए, चलिए आप मंच से नीचे जाइए, इन पे कार्रवाई करो, ठीक है? इसको बिल्कुल नहीं क्षमा किया जाना चाहिए। जब इतने इनको पता नहीं है कि सांसद से कैसे बात करते हैं, तो छात्रों से कैसे बात करेंगी? चलो आप जाके बैठो नीचे। टीचर का अनुरोध सुन मनोज तिवारी ने कहा, आपको क्या ऐसा करना चाहिए? मैं नौटंकी कर रहा हूँ, यहाँ मजाक नहीं हो रहा है। आप सांसदों को कहेंगी कि गाना गा के सुनाओ, ये तमीज है आपकी? ये गाने का प्रोग्राम है क्या? 2 करोड़ रुपए के सीसीटीवी लग रहे हैं और आप कह रही हैं कि गाना गा के सुनाओ। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के अवसर पर हुई धक्का मुक्की की घटना के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को दाऊद का गुर्गा बता दिया है। जाता है और अब सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। साथ ही मामले में आप विधायक के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही थी। वहीं इस घटना पर अमानतुल्ला खान ने कहा कि वह मनोज तिवारी स्टेज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, मैंने सिर्फ उन्हें रोका, धक्का नहीं दिया। वह जिस तरह का बर्ताव कर रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि अगर वह स्टेज पर चढ़ जाते तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ बुरा व्यवहार कर सकते थे। 54 मीटर है, 154 मीटर ऊपर है ये। पूरी दुनिया में जितने भी मनोज तिवारी पहुंचे तो थे सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन पर क्रेडिट लेने, लेकिन उनका ये दाव उल्टा पड़ गया और उनके साथ 2 घटनाएं हो गईं। उनके साथ हुई इन 2 घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। बिग बॉस सीजन 4 में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाली डॉली बिंद्रा ने काफी हंगामा मचाया था। उन्होंने घर के सभी सदस्यों से झगड़ा किया था, दोनों के बीच एक अंडे को लेकर भिड़ंत हो गई थी।
हुआ यूं था कि डॉली का कहना था कि बिग बॉस ने खाना बनाने से मना किया है, लेकिन मनोज तिवारी उस वक्त अंडा खाना चाहते थे। वहीं दोनों के बीच बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि डॉली बिंद्रा मनोज तिवारी को जान से मारने की धमकियां तक देने लगी थी और नेशनल टीवी पर गाली गलौज भी बहुत हुआ। किसी के बाप का नहीं है, याद रखें आप। मैंने ये बोला ना, बाप पे जाना नहीं। शाहरुख और दीपिका के फिल्म पठान पर जमकर विवाद हुआ था, लेकिन इस विवाद में से एक नाम सामने आया था, वो थे भाजपा नेता मनोज तिवारी। एक बिकनी गाने में वो खुद भगवा पहन कर नाच रहे थे। ऐसे में आज अपने को भगवा के समर्थक बताने वाले मनोज तिवारी एक समय पर खुद इसकी धज्जियां उड़ा चुके हैं। और गायकी की दुनिया के अपना अलग मुकाम हासिल करने वाले मनोज तिवारी की कहानी। अब देखने वाली बात यह होगी कि मनोज तिवारी बीजेपी में और अपना किस हद तक मुकाम हासिल कर पाते हैं। तो ऐसी और कहानियां जानने और सुनने के लिए देखते रहिए एन भारत। नमस्कार।